आप दिमाग के क्लटर से फ्री हो जाएंगे, आप हमेशा पीसफुल रहेंगे। बिना किसी चिंता के जो आपका दिमाग में पक 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 चलती रहती है और थॉट्स चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, वो सब रुक सकते हैं। आपने ट्राई किया है? दिस इज़ पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? आप हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो थ्योरेटिकल से निकलकर प्रैक्टिकल पर आनी पड़ेंगी। हम जब सोचते रहते हैं और आप वीडियोस देखने लग जाते हैं कि मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं, थॉट्स को कैसे कंट्रोल करूं, शांत कैसे हूं, वीडियो देखते हैं, एक की सुनते हैं, दूसरे की सुनते हैं, तीसरे की सुनते हैं, सब अपने अपने एफर्ट्स बताते हैं, अपने अपने तरीके बताते हैं। बट हैव यू थॉट कि आपको सबसे ज़्यादा किससे दिक्कत है? आप स्वयं एक दिक्कत हैं। आप स्वयं प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। आप स्वयं एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आप स्वयं अपने लिए मुश्किलें बुलाते हैं और आप स्वयं ही बाहर नहीं निकलना चाहते। विश्वास नहीं होगा, है ना? तो आपको बताती हूँ वो टेक्निक जो मैंने आज से 11-12 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले, जब मैं मिड ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ थी, तब मैंने 30 साल, हाँ आपको बता दूँ, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने निकाले हैं। प्रिंसिपल डायरेक्टर कॉलेजेस के और लेक्चरर से मैं शुरू हुई थी। ऑफ कोर्स समझ सकते हैं, पीयर ग्रुप प्रेशर, प्रोफेशनल राइवलरी, बहुत कुछ है ना। इन सब के बीच में एक यंग सी लड़की का रह पाना और बहुत सीधा होना, चीज़ों को ज़्यादा चालाकी से ना हैंडल कर पाना, ऐसे में क्या करेंगे? मैंने क्या किया? मैंने यही किया कि सबसे पहले एनवायरनमेंट को सबकी तरह बदलने की कोशिश की। इसको खुश कर, ये बाउंड्री तोड़, वो बाउंड्री तोड़, यानी इसको भी खुश करने की कोशिश, वो दूसरा ग्रुप है उसको भी खुश करने की कोशिश, उससे दोस्ती करने की कोशिश, उनमें रहने की कोशिश, उनके जैसा बन तो नहीं पाई, लेकिन हाँ उनको एक बेयर करने की कोशिश की, इनको मैं सहन कर सकूँ, है ना। झूठ, हाहा, बदतमीज़ी, के मजाक उड़ाना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी बहुत ज़्यादा देर, तो मुझे अब ग्रुप से निकलना था, अलग अलग ग्रुप से अपने लिए बाउंड्री बनानी थी। बाउंड्री बनाना यानी कि मुझे ये मेरी बाउंड्री है, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करती, और ये मेरे वैल्यूज़ हैं, ये आपके वैल्यूज़ हैं, आप अपने, मैं आपकी वैल्यू की कदर करती हूँ, आप मेरी वैल्यूज़ की कदर कीजिए, है ना। अब ऐसा होने से आप बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं अपने ग्रुप, दूसरे भी ग्रुप से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपको ना किसी की बाउंड्रीज चेंज करनी है, ना किसी के जैसा बनना है, ना किसी ग्रुप में रहना है, ना किसी ग्रुप के बाहर रहना है, आपको स्वयं को कंट्रोल करना है। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग कि मैं किस तरीके से क्या करूं। द फर्स्ट बेस्ट थिंग आई डिड, जो कि मैं आपको ये 5 days लॉन्ग मेडिटेशन में मैंने आपको बताया है कि शांत कैसे रहें, उसमें मेडिटेशन दी है, एक चैंटिंग, 2 chants दी हैं, ये पूरा 5 days का एक छोटा सा फ्री आपको गिफ्ट है, और आप लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारे दूसरे प्रोग्राम्स के जो लिंक्स हैं, बींग मनी मैग्नीफायर, ब्लेस्ड लाइफ विद द एंसेस्ट्रल हीलिंग, ऐसे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको मुफ्त और पेड दोनों प्रोग्राम्स की जानकारी मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सो आप मेडिटेशन ढूंढना शुरू किया, मेडिटेशन स्टार्ट की, देन केम शक्ति गैवेन इन माय लाइफ। शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, शी हैज रिटन मेनी बुक्स ऑन विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड हीलिंग, यू नो, एंड बुक जो है अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन बाय। सो आई प्रैक्टिस्ड टू बी पीसफुल, आई यूज्ड दिस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन फॉर बीइंग पीसफुल, राइट। एंड आई ऑलवेज, एज आई टोल्ड यू, आर डू, मैं NLP में PhD कर रही थी, तो NLP इज़ अगेन अ वेरी हेल्पफुल टेक्निक्स, जिससे कि आप अपने माइंड को पिवट कर सकते हैं, अपने थॉट्स को। तो मैंने अपने थॉट्स को पिवट किया। पिवट करना क्या होता है? पिवट करना यानी आपको चीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना, वो
बहुत बेकार है, यह मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसने मेरी लाइफ बिगाड़ दी, मेरे परिवार वाले मेरे नहीं सुनते, मैं जब भी कभी मम्मी से बात करता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरी पास्ट लाइफ, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं। यानी आपकी क्या आदत है, आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, बाहर एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं, अपने ऑफिस को ब्लेम करते हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, लेकिन क्या कभी आप अपने आप को ब्लेम करते हैं? स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ, अपने आप को ब्लेम करना शुरू कीजिए। मैं एक 30 साल प्रोफेशनल लाइफ जीने वाली एक ट्रेनर लाइफ कोच आपको बोल रही हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट किए हुए, जैसे आजकल के कई यूट्यूब कोचेज हैं जो कॉपी पेस्ट करके बताते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कौन कितनी डेप्थ लेके आ रहा है और आपको एक से ही रिलेट हो जाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए लगातार। सो अब हमने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करके एक महीने बाद हम लोग जो हैं काफ़ी अपने आप को, आप देखेंगे कि वंस यू स्टार्ट मेडिटेशन आपके जो थॉट्स हैं कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं, ठहरने लगते हैं विचार, ज़्यादा अंदर बाहर नहीं आते और आपके एक ही विचार पर, एक ही गोल पर एक वक्त में आप काम करने लगते हैं। सो यहाँ आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। बहुत छोटी सी एक मेडिटेशन करा रही हूँ आपको, बाहर चले जाना है छत पे या बाहर गार्डन में, सुबह कर सकते हैं, शाम सुबह करना बेटर रहेगा, जब आसमान बिल्कुल क्लियर होता है तब करना है। यानी आपका दिमाग एक आसमान की तरह है, जो भी पूरे छटे फटे कटे फटे बादलों से भरा हुआ है, थॉट्स कटे हुए हैं, आपको जाकर ये इमेजिन करना है, आँख बंद करना है और मेडिटेशन के अवस्था में आना है, और आपको स्काई की तरफ लगातार 2 मिनट देखना है, अगर वो उस दिन क्लियर हो तो, और इमेजिन करना है कि पूरा आसमान आपके दिमाग को, फ्रंटल लोब्स, मिड ब्रेन लोब को पूरा कवर कर लेता है। ये इसलिए कि जो आपके क्लटर्ड थॉट्स हैं, उन क्लटर्ड थॉट्स को अब डीक्लटर हो जाना है और ये यूनिवर्स उसको कंट्रोल कर लेता है और पूरा क्लियर स्काई क्लियर थॉट्स के साथ आ जाता है। गॉड ब्लेस। प्रैक्टिस।